दोस्तों मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए केवल दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले तो एक्सरसाइज एंड सेकंड होती है डाइट। और अगर आप भी जमकर एक्सरसाइज करते हैं बट उसके बावजूद भी आपकी बॉडी नहीं बन रही है तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ती डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा जिसको आप खाकर अपनी पूरी बॉडी को मस्कुलर बना सकते हैं। एंड इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको इसमें कोई भी प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी जो ये डाइट बता रहा हूँ आपको इसी को फॉलो करना है एंड इसके बाद आपकी भी बॉडी जल्दी से जल्दी मस्कुलर बन जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको 5 मील्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि अच्छी बॉडी बनाने के लिए मिनिमम 5 मील्स तो लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैंने इन मील्स को टाइम टू टाइम डिवाइड भी कर रखा है जिससे आपको भी अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी मस्कुलर बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी यूजफुल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस डाइट को देख लेते हैं जिससे आप भी अपनी बॉडी को जल्दी जल्दी मस्कुलर बना सकेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ब्रेकफास्ट पर जिसको आपको मॉर्निंग में 7 से 9 के बीच में लेना है। इसमें आपको लेना है 1 ग्लास मिल्क, उसके साथ में आप ले सकते हैं मूंगफली जो कि बिना छिलके वाली होती है, एंड साथ ही साथ आपको 100 ग्राम भुने हुए चने लेने हैं जो आपकी पूरी बॉडी को अंदर से बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। तो अब नेक्स्ट मील नंबर 2 जिसको आपको 11 से 12 के बीच में लेनी है। इसमें हमें लेने हैं 2 अंडे और अगर आप लोग वेजिटेरियन है तो आप अंडे की जगह पर पनीर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने अकॉर्डिंग रोटी और चावल ले लेना है एंड साथ ही साथ आपको दाल लेना है जिसमें आपको अच्छी तरह से प्रोटीन मिल जाता है जो आपके पूरी बॉडी को मस्कुलर बनाने में हेल्प करेंगी और जल्दी जल्दी आपकी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ा देंगी। सो आप इस मील को भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट प्री वर्कआउट मील जिसको हमें 3 से 4 के बीच में लेना है। इसमें हमें लेना है 2 से 3 बनाना और उसके साथ ही भीगे हुए चने। ये आपको खाने एक्सरसाइज से 30 मिनट पहले जो आपको एक्सरसाइज करने के दौरान एनर्जी देगी जिसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को करके अपनी पूरी बॉडी को जल्दी से जल्दी मस्कुलर शेप दे सकते हैं। सो सबसे पहले आप प्री वर्कआउट मील को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिएगा। तो अब नेक्स्ट पोस्ट वर्कआउट मील जो कि आपको वर्कआउट के बाद लेनी है। इसका टाइम होगा 5 से 6 के बीच। इस मील के दौरान हमको 2 से 3 अंडे या 100 ग्राम पनीर लेना है अगर आप वेजिटेरियन हैं तब। उसके साथ ही आपको अपने अकॉर्डिंग रोटी या सोयाबीन की सब्जी लेनी है एंड इसके बाद आपको इसे खा लेना है। तो अब नेक्स्ट नाइट मील जो कि आपको रात में सोने से पहले लेनी होती है। इसमें आपको सिंपल मील लेना होता है जो कि आपके बॉडी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। इस मील में आपको सिंपल एंड हल्का भोजन लेना होता है जिससे आपकी भी बॉडी पूरी तरह से रात भर में ग्रोथ कर सके और आपके भी मसल्स में ग्रोथ हो सके। तो आप इस डाइट को जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं, बट इस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी यूजफुल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।